विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर शहर अंतर्गत निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे से नमस्कार डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी से मिलने पहुंची पत्नी निकहत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की मिली भगत से बिना ऑफिशियल रिकॉर्ड के निकहत अंसारी पति अब्बास से लगातार मिल रही थी। चित्रकूट के रंगोली जिला जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जेल से बाहर ले जाने की साजिश रचने में पत्नी निकहत अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर, और जो पुलिस के जेल के कारागार सुपरिंटेंडेंट और जेलर, डिप्टी जेलर, और एक उनका वहाँ का सिपाही है जगमोहन। तीन लोगों को मुन्ना बजरंगी वाले में भी थे ना? इसकी जानकारी अभी विवेचना में आगे स्पष्ट होगी। कम से कम जानकारी कई बार मिल चुकी है, लिखित में उनकी पत्नी कई बार मिल चुकी है। वहाँ पे सीसीटीवी और जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी सील कर दिए गए हैं, प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। जी, तो इसीलिए देखिए नियमों के विरुद्ध इसीलिए पाया गया क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं थी। इसी को हमने जांच का विषय बनाया है। उनके रजिस्टर सीज किए गए हैं एवं जितना सीसीटीवी का उनका डेटा है वो सारा सील कर दिया गया है और उसको पूरे को एफएसएल भेजा जाएगा ताकि हमें डिटेल नाम चेंज करके जी नहीं, नाम चेंज करके नहीं, लेकिन जितनी एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही थी। अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर आगे अभी जेल भेजा जा रहा है। यहाँ शहर में कहाँ रहती थी मैडम? इस पे विवेचना कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन उनका लोकल स्तर पे सहयोग कर रहा था, कहाँ रह रही थी, ये सब बातें अब विवेचना में स्पष्ट हो सके। मैडम उनका नाम निकहत है कि निकहत क्या है? निकहत, निकहत अंसारी। गाली वगैरह भी सील हुई है? नहीं, अभी नहीं। कल हम लोगों को सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरे द्वारा, एसपी महोदय द्वारा वहां आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाले बैरक थे उसकी तलाशी ली, तो तलाशी के समय वहां अब्बास अंसारी नहीं मिले। तो पूछताछ करने में पता चला कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था, और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी, और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेलकर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया है। उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई, और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ, और उस क्रम में ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है, और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। क्या बरामद हुआ है और क्या कार्रवाई है? उनकी पत्नी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, कुछ कैश बरामद हुआ, इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी, और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से, और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन अंदर लेके गए थे जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। डीएम और एसपी के दिशा निर्देश पर खनन माफियाओं पर कसा जा रहा है शिकंजा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर खनन माफिया दिन दहाड़े कर रहे हैं अवैध खनन। चांदपुर एसडीएम और सीओ ने अवैध खनन की पकड़ी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली। जनपद बिजनौर में लगातार खनन माफियाओं पर डीएम और एसपी का चल रहा है चाबुक। नूरपुर थाना क्षेत्र के नहटौर रोड का है मामला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश में निवेश कुंभ को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मोदी योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है, यही वजह है कि आज प्रदेश में व्यापारी निडर होकर निवेश कर रहे हैं। जी बताएं, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमरोहा में भी जो है इन्वेस्टर समिट में
निवेशक महाकुम जो है उसमें बड़ी तादाद में जो है पैसा आ रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, व्यापारी उसको ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर कुंभ जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मेला लगा हुआ है, ये मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को। और इतना बड़ा काम हो गया ये, आज हर जिले के अंदर 5,000-7,000 करोड़ का इन्वेस्ट जो हो रहा है, कई लाखों का करोड़ इसमें उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं, विदेशी कंपनियां हैं, अपने देश की कंपनियां हैं, इसमें हजारों लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा और एक बहुत अच्छा भविष्य है उत्तर प्रदेश का। आने वाले दिन और आने वाला जो समय आएगा वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उत्तर प्रदेश की। इसमें किसानों का भी भला होगा, इसमें आज हमारे जो युवा पढ़ रहे हैं उनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, उनको बिजनेस मिलेगा, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे अब शांति है, कोई झगड़े नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बार बार मैं तो धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, बार बार धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, जो उत्तर प्रदेश की आज कितने साल पीछे हम चल रहे थे उत्तर प्रदेश, आज जिस दिन से 6 साल से माननीय योगी जी ने कमान संभाली है, बदमाशी खत्म हो गई, आज कोई बदमाशी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए इन्वेस्टर भी चाहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ और यहाँ के लोगों को रोजगार दूँ और आप भी खुद कमाऊँ। जो पलायन जो लोग कर रहे थे व्यापारी, वो दोबारा से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं देख रहा हूँ जो यहाँ से व्यापारी अपना धंधा समेट रहे थे पहले समाजवादी के टाइम में, लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो फैक्ट्री दोबारा से चालू हो गई। मेरे अमरोहा ज़िले के आप देखोगे तो मैं अमरोहा ज़िले में देखता रहता हूँ, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया थे, आज वो जो फैक्ट्री पहले बंद थी अब वो सब चालू हो रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी के बयान का किया समर्थन। अपना धर्म मानते हैं, मेरी मान्यता है धर्म मानव कल्याण और मानवता की सशक्तिकरण के लिए होता है, गाली धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है, किसी को अपमानित करना ये धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। और तुलसीदास जी की रामायण को आप धार्मिक कैसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने स्वयं, आप उत्तर ले लीजिए पहले, तुलसीदास जी ने स्वयं बाल कांड के 7वीं चौपाई में लिखा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ घाता, भाषा निबंध मंजुल मातनोती। जब साफ उन्होंने कर दिया कि इस रघुनाथ गाथा यानी रामायण की रचना मैं अपनी खुशी और प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ, अच्छे भाषा में, सुमधुर भाषा में मैं अपने लिए इसको लिख रहा हूँ, तो धर्म ग्रंथ कैसे हो गया? वो जिस प्रकार से हमारे तमाम कवियों ने अपना अपना कोई काव्य लिखा, कोई पुस्तक लिखी, तो उसी काव्य में से ये भी एक है। इसलिए धर्म ग्रंथ कह करके गाली और अपमान करने की व्यवस्था को आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। नारी को लेकर बहुत सारी बातें लिखी हैं। हम ये कह रहे हैं, पहली बात, क्योंकि धर्म के नाम पर व्यवहारिक जीवन में प्रचलन रामचरितमानस का है, जिसका रोज पाठ होता है और रोज पाठ के माध्यम से इन लाइनों की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए हमने तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी को एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया है, यह जो महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के विपरीत शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनको अपमानित करने का यह आधार बनता है। इसलिए अनियंत्रित होकर पुल के रेलिंग से टकराया बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया अस्पताल। CHC बफन ज्योत में कराया गया भर्ती। मसक नवागौरा चौकी मार्ग के सिंगार घाट पुल की घटना। चारबाग बस अड्डे पर बस में लगी भीषण आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने के बाद बस अचानक जलने लगी। चारबाग बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल नहीं पहुंची अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। राजधानी लखनऊ में लोगों के सिर से नहीं उतर रहा बाइक से स्टंट करने का भूत। बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा एक्सप्रेस वे पर बाइक से स्टंट करते नजर आया प्रियांश द्विवेदी। सूत्रों की माने तो राजाजीपुरम, सरीपुरा, आलमनगर, लखनऊ
का बताया जा रहा प्रियांश द्विवेदी। प्रियांश द्विवेदी कर रहा लोगों की जान से खिलवाड़, आगरा एक्सप्रेस वे पर कर रहा स्टंट। हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित देवनंदिनी फ्लाईओवर के नीचे शनिवार को वन विभाग की टीम अवैध आरा मशीन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची। इसी बीच आरा मशीन के संचालक ने विरोध शुरू कर दिया और वन विभाग की टीम के साथ अभद्रता की जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट रेंजर मुकेश चंद्र कांडपाल भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने तुरंत 112 डायल कर आपात सहायता स्थानीय पुलिस के सहयोग से वन विभाग की टीम को सील कर दिया। आज ये क्या मामला है सर? मैं यहाँ पर रेंजर सर मुकेश चंद्र कांडपाल, यहाँ पर जिस तरह हापुड़ रेंज में मेरी यहाँ पर अवैध आरा मशीन के खिलाफ मेरी तरफ कार्रवाई की जा रही है कि अवैध आरा मशीन नहीं चलेंगी, तो इसके यहाँ पर आज सुबह मैंने अपने स्टाफ भेजा था कि यहाँ पर एक अवैध आरा मशीन की शिकायत की। यहाँ पर देवनंदिनी पुल के पास जब मैंने स्टाफ भेजा तो यहाँ पर इनसे वर्टिकल मशीन चला रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं, तो इनसे कागज़ मांगे गए तो इनने कागज़ नहीं दिखाए, बोले कागज़ हम नहीं, और बदतमीजी करने लगे स्टाफ से। फिर इन्होंने लेडी अपनी बुला ली और लेडी भी बहुत बदतमीजी करने लगा। इसके बाद फिर मैंने 112 पर कॉल किया और थाने की पुलिस बुलाई, जो मौके पर पहुँच गई है और मेरे द्वारा मशीन सील कर दी गई है। इनके द्वारा कोई अभी तक कागज़ कोई उपलब्ध नहीं करा गया, हमारे ऑफिस रिकॉर्ड में इसका कोई कागज़ नहीं है, ये पूरी तरह से अवैध है और इनके द्वारा लगातार स्टाफ से बदतमीजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इधर उधर फंसाया जाएगा। ये वाराणसी बीएचयू में दृष्टिहीन छात्रों का आंदोलन तेज, छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति का फूंका पुतला, कैंपस के मेन गेट को बंद कर किया हंगामा, छात्रों के समर्थन में उतरे कई अन्य छात्र संगठन, छात्रा से हुई छेड़खानी के खिलाफ छात्र कर रहे हैं आंदोलन, पिछले दो हफ्ते से वीसी आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं दृष्टिहीन छात्र, बीएचयू के ही प्रोफेसर के बेटे पर छेड़खानी का आरोप, छात्रों का आरोप, आरोपी को बचाने में जुटा है बीएचयू प्रशासन। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है, मैं विधि संकाय का छात्र हूँ। संतोष, आज का विरोध प्रदर्शन जी किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रशासन पूरी निद्रा में सोया हुआ है, प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जिस तरीके से जघन्य अपराध महामना जी की बगिया में घट रहे हैं, महामना जी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मेरी बगिया का यह क्या कहलाता है, इस प्रकार से क्या कहलाता है, नाम बदनाम होगा, कलंकित होगी उनके बगिया। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन बेहद ही संवेदनहीन है, जो आए दिन नारी शक्ति महिलाओं के साथ निरंतर इस प्रकार की जघन्य अपराध घट रहे हैं। 25/1/2023 को छात्रा के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटित घटना में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की संलिप्तता पाई गई है। इस पर साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि वो जो आपराधिक अभियुक्त है वो पूर्व डीन का बेटा है, तो कहीं ना कहीं जो लंका थाने के भारसाधक अधिकारी हैं उन्होंने एक केस को इन जो कमजोर धाराओं में केस को कमजोर किया गया है और 24 घंटे के अंदर जो जमानत दी गई है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय ही क्षेत्र का ये मामला, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी विभिन्न योजना जो जारी की गई है, जो लागू की गई है, उसमें बेटी जब बचेगी ही नहीं, जब सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगी क्या। अभय जी, आज कैंडल मार्च कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक? कैंडल मार्च हमारा भीसी आवास से लंका गेट तक के बीच में था 16 दिन से। इसके पूर्व हम अनिश्चितकालीन धरने पर थे भीसी आवास के समक्ष थे, किंतु भीसी साहब ने एक बार भी ये नहीं चाहा कि क्या हम बच्चों से वार्तालाप करें। इसके पूर्व चीफ प्रॉक्टर के आश्वासन पर हमने 31 तारीख को इस बात पर अपना धरना खत्म किया था कि 2 तारीख से भीसी आपसे वार्ता करेंगे, किंतु जैसे ही हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख को गया, भीसी ने यह कह करके मना कर दिया कि कोई ऐसा निर्णय क्या कर नहीं रुका हुआ है जिससे हम छात्रों से बात करें। कितने की संख्या में आप आज हमारी ये संख्या कहीं ना कहीं 300 से 400 की है और हमारी संख्या अगर और बढ़ेगी, निरंतर समर्थन बढ़ रहा है नारी शक्ति का, क्योंकि छेड़खानी 1 महीने में 15 से भी अधिक हो गई है। बहराइच महिला चिकित्सालय के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चिकित्सक किस तरह जबरदस्ती ले रही घूस, यदि कोई घूस देने से इनकार करता है तो चिकित्सक देती है उन्हें बद्दुआ। मरीज के परिजनों ने बताया कि 1100 घूस मांग रही महिला चिकित्सक से पूछा गया कि डिलीवरी निःशुल्क है फिर भी क्यों पैसा ले रही है, तो बताया पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं सभी लेते हैं, बिना घूस के नहीं होगा कोई काम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अशोक गहलोत के एक साल प्रदेश का हाल क्या?